स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और सीधे रुख करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों। तो अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रचेगा। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के साथ बनेगा नया इतिहास। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगी चंद्रयान 3 की लॉन्च। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है चंद्रयान। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना ही इसका उद्देश्य। इसरो ने प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा इसरो। इससे पहले चंद्रयान 2 चलिए आगे बढ़ेंगे। शुभ संयोग में मनाया जा रहा है श्रावण मास का प्रथम सोमवार। अलसुबह से ही शिवालयों में लग रहा है भक्तों का तांता। अलसुबह से शिवालयों में किया जा रहा है भोलेनाथ का अभिषेक। राज्य मानवाधिकार आयोग जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने शिव आराधना भी की। भगवान आशुतोष को भजन गाकर भी रिझाया गया। कहा गया है कि शुभ संयोग में मनाया जा रहा है श्रावण मास का प्रथम सोमवार। इस वर्ष अधिक मास होने के चलते सावन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सावन का महीना ध्यान और तपस्या के लिए उत्तम रहता है। श्रावण को शिवत्व के अनुरूप माना जाता है वर्ष का सबसे पवित्र महीना। सावन में विश्वास से शिव पूजा द्वारा अगर की गई तो मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ की 550 से पूजा कर की कामना। जस्टिस व्यास ने प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की कामना की। छोटी काशी में इंद्र का जलाभिषेक। आज सावन के पहले सोमवार बरखा बहार। आज सुबह से ही श्रावणी फुहारों ने खूब भिगोया है गुलाबी नगरी को। शिव आराधना के लिए अलसुबह से ही शिवालयों में भक्त उमड़े हैं। वहीं राजधानी में 3 घंटे की लगातार बारिश ने हाल बेहाल कर दिए। कई जगह तो बारिश का पानी जमा होने से बने हैं जाम के हालात। तो कहीं 1 से 2 फीट तक जलभराव से जाम में फंसे रहे हैं वाहन चालक। जयपुर के कई इलाकों में लगा है कई किलोमीटर तक लंबा जाम। मौसम विभाग का फिर जयपुर सहित 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। जयपुर सीकर टोंक झुंझुनू जिलों में किया गया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। वहीं मेहरबान मानसून ने प्रदेश में तोड़े हैं अब तक के सारे रिकॉर्ड। बीते सालों के मुकाबले अब तक 240 mm बारिश से मरुधरा तर बतर हो गए। सवाईमाधोपुर में भाजपा की विजय संकल्प चिंतन बैठक समाप्त हुई। बीएल संतोष की मौजूदगी में आज 7.5 घंटे लगातार मंथन हुआ है। बीएल संतोष ने चुनावी फीडबैक लिया और मांगे हैं स्वतंत्र सुझाव। पार्टी की चुनावी कार्ययोजना का सीपी जोशी द्वारा रोडमैप बताया गया। संतोष ने सवालों के जवाब और संगठन के आगामी कार्यक्रमों को भी बताया। कांग्रेस के खिलाफ आगामी आंदोलनों की जानकारी भी ली। एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में जुटे रहने की सीख दी गई सभी को। पीएम के 9 साल की उपलब्धियों के साथ मैदान में डटे रहने का मंत्र दिया। संगठन सर्वोपरि की बात भी कही गई है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के द्वारा। सवाईमाधोपुर में भाजपा की विजय संकल्प चिंतन बैठक समाप्त हुई। बैठक में 2023 चुनाव फतेह को लेकर 5 संकल्पों फैसला हुआ पारित हो गए हैं। हर बूथ में बीजेपी की जीत के साथ 2023 चुनाव में ऐतिहासिक जीत का संकल्प हुआ। कांग्रेस के कुशासन जंगल राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ महासंघर्ष का संकल्प हुआ। युवा महिला किसान दलित आदिवासी एवं गरीब विरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हुआ। कांग्रेस सरकार के झूठ और लूट को जनता के सामने उजागर करने का संकल्प। तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति का अंत कर प्रदेश में विकासवादी भाजपा सरकार लाने का भी संकल्प हुआ। कांग्रेस के नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्षों की कार्यशाला। पीसीसी मुख्यालय में 13 जुलाई को आयोजित होगी कार्यशाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा,
बीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे कार्यशाला को संबोधित। सभी ब्लॉक अध्यक्षों को आईडी कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। 12 जुलाई को राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण में जुटे हैं 1600 कारीगर। कुछ दिन पहले ही करीब 550 कारीगर काम में जुटे थे। जनवरी तक निर्माण पूरा हो करना है, इसलिए कारीगर को अब बढ़ाया गया है। समय पर निर्माण के लिए दिन रात काम में जुटे 1600 कारीगर जनवरी में मंदिर में राम की प्रतिमा स्थापित करने का लक्ष्य। और देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी चिंता जाहिर की। भीषण बारिश और भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोक संतप्त परिजनों को मेरी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि राहत कार्यों में वो प्रशासन की सहायता करें। इस प्राकृतिक आपदा की कठिन चुनौती का हम सभी को मिलकर सामना करना। और इस महीने भारत आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति। दो दिवसीय दौरे पर 21 जुलाई को दिल्ली पहुंचेंगे रानिल विक्रम सिंघे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे रानिल विक्रम सिंघे। विजिट के दौरान कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत होगी पीएम मोदी के साथ। खासतौर पर समुद्री सुरक्षा से जुड़े मामले डिस्कस किए जा सकते हैं और इसके अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट की भी समीक्षा यहां की जाएगी। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर मंत्री की कांवड़ यात्रा। 11 जून से यूसीसी को लेकर हरिद्वार से कांवड़ यात्रा करेंगे बालियान। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यूसीसी को लेकर कांवड़ यात्रा करेंगे। कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुजफ्फरपुर में होगा बालियान की कांवड़ यात्रा का समापन। संजीव बालियान का संसदीय क्षेत्र भी मुजफ्फरपुर नगर है। कांवड़ियों के साथ चलेंगे, ठहरेंगे और बिताएंगे और उनको बताएंगे कांवड़ियों को यूसीसी के फायदे। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कल उदयपुर के दौरे पर रहेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मंगलवार सुबह 9:30 बजे हवाई मार्ग से उदयपुर पहुंचेंगे स्पीकर बिरला। सुबह 11 बजे गीतांजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल। दोपहर 1:10 से दोपहर 2:50 तक सर्कल हाउस में प्रबुद्ध जनों से भी मुलाकात होगी। स्पीकर बिरला दोपहर 3 बजे लीडरशिप कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हो रहा है कॉन्क्लेव का आयोजन। शाम को सड़क मार्ग से कोटा के लिए रवाना हो जाएंगे स्पीकर ओम बिरला। तो राजस्थान में बीजेपी अब निकालेगी परिवर्तन यात्रा। प्रदेश के अलग अलग स्थानों से निकाली जाएंगी परिवर्तन यात्रा। सामूहिक नेतृत्व निकाली जाएंगी सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा। 1 अगस्त को जयपुर में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी। 3 सत्रों में सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर रणनीति बनी है। भोजन अवकाश के बाद 3 सत्रों में फिर आयोजित होगी बैठक। 1 सत्र में सोशल मीडिया, दूसरे सत्र में मीडिया की भूमिका को लेकर मंथन होगा। समापन सत्र में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सवालों का जवाब दे दिया। और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाक को एक और बड़ा झटका लगा। ब्रिटिश एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक ने बंद कर दिया है पाकिस्तान में अपना परिचालन। इस्लामाबाद से लंदन के हिथरो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने के साथ परिचालन बंद। वर्जिन अटलांटिक के विमान ने रविवार सुबह 8 बजे भरी थी है उड़ान। ब्रिटिश एयरलाइन ने दिसंबर 2020 में शुरू किया था अपना परिचालन। 7 साप्ताहिक उड़ानों के साथ इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू किया गया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से पाकिस्तान को बड़ा झटका मिला। ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान को दिखाया है भारत का हिस्सा। ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान को भारत ब्लॉक किए पाक सरकार के अधिकारी। हालांकि पाक सरकार का कहना है कि यह समस्या कुछ स्मार्टफोन यूजर्स को आ रही है। दरअसल रविवार को यूजर्स ने जब यहां से ट्वीट किया
तो क्षेत्र के लोगों को भारत के हिस्से में होना बताया गया। यूजर्स ने काफी देर तक सरकार के हैंडल्स को एक्सेस करने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें जवाब मिला। कानूनी मांग के तहत भारत में अकाउंट पर रोक है। इसके बाद से कई यूजर्स ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं इसके स्क्रीनशॉट। भीलवाड़ा से खबर है, राज्य किसान आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला का विवादित बयान सामने आया। सीकर में युवक के डूबने की घटना को लेकर विवादित बयान दे दिया। कहा, मरते रहते हैं ऐसे तो रोज ही लोग, तालाबों में नदी में डूब रहे। जनसुनवाई के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे आयोग अध्यक्ष खंडेला। भीलवाड़ा नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में हुआ था किसान संवाद कार्यक्रम। में किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों और सिस्टम पर सवाल किया, लेकिन विवादित बयान उनकी ओर से यहां दिया। आईएफसी पीके अशोक बाबू की नियुक्ति। वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य में होंगे भारत के अगले राष्ट्रपति। अभी केपटाउन में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के है महावाणिज्य पीके अशोक बाबू के जल्द ही कार्यभार संभालने की भी उम्मीद बन गई है। भारतीय विदेश सेवा के 2007 बैच के अधिकारी हैं पीके अशोक बाबू। राजस्थान में बीजेपी निकालेगी परिवर्तन यात्राएं। प्रदेश के अलग अलग स्थानों से निकाली जाएगी परिवर्तन यात्रा। सामूहिक नेतृत्व निकाली जाएगी सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा। 1 अगस्त को जयपुर में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। 3 सत्रों में सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर बनेगी रणनीति। सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर भी बैठक में मंथन होगा। खालिस्तानियों के कारण भारत के 11 दूतावासों में हाई अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप स्थित दूतावासों में अलर्ट। लंदन, फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, वॉशिंगटन, वैंकूवर, ओटावा स्थित भारतीय दूतावासों में हाई अलर्ट। खासतौर से यूके में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर अब चिंता लगातार बनी। जम्मू कश्मीर पुलिस की श्रीनगर के एक होटल में रेड। पुलिस ने 40 अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लिया। JKALF समेत कुछ संगठन के नेताओं को हिरासत में लिया। शिया लीडर और हुर्रियत नेता मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी, यासीन भट्ट, सैयद रहमान शम्स, हुर्रियत नेता प्रोफेसर अब्दुल गनी के बेटे जहांगीर अहमद, फिरदौस शाह, सजाद हुसैन सहित कईयों को रेड के दौरान पकड़ा गया और अब ये रेड लगातार जारी। राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन में बड़ा फर्जीवाड़ा। एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि भूषण पुरी, सचिव धनपत सेठिया, कोषाध्यक्ष रवि मित्तल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। कुतवाली थाना में संस्थान सदस्य संजय जैद ने दर्ज कराई है FIR। FIR में एसोसिएशन के समानांतर दूसरी संस्था खोलने का भी आरोप लगा। राजस्थान केमिस्ट अलायंस बनाकर करोड़ों की संपत्ति खुर्द बुर्द। संस्थान के हजारों सदस्य को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस ने अब विभिन्न प्रकरणों में मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। शिकायत में बताया गया कि RCA में है 40,000 सदस्य जिनके सहयोग से संस्था ने अर्जित की है करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति। आरोपियों ने इसी संपत्ति को खुटबुट करने के लिए बनाई है ये नई संस्था। देखिए, राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन में बड़े फर्जीवाड़े की जानकारी मिल रही है। खुर्दबुर्द करने के लिए नई संस्था बनाने की जानकारी। मुख्यमंत्री की मंशा को साकार करने में जुटी है ACS शुभ्रा सिंह। चिकित्सा की खबरों पर त्वरित एक्शन के लिए मैकेनिज्म। ACS शुभ्रा सिंह ने दिए हैं जोनल CMHO कार्यालय को निर्देश। कार्यालयों में रैपिड रिस्पॉन्स सर्विलेंस टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की खबरों पर तत्काल एक्शन लेकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। अभी टीम गुप्त रूप से अस्पतालों का निरीक्षण कर रिपोर्ट भी पेश करेगी। खुद CM गहलोत चिकित्सा सेवाओं के प्रति अत्यंत गंभीर दिखाई देते हैं। वे कई मंच पर भी कह चुके हैं कि चिकित्सा सेक्टर हमारी पहली प्राथमिकता है।
पहली प्राथमिकता वाले सेक्टर में सेवाएं दुरुस्त रखना चाहती है एसीएस शुभ्रा सिंह।